नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक से जुड़ी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ी आज तमाम अपडेट्स लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी बंगाल समेत इन तीन राज्यों में बनने जा रही है सरकार। आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताया गया है कि राजद की कौन कौन से राज्यों में सरकार बनने जा रही है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आज का एक बड़ा और खबर निकल कर आ गया है, जी गर्मी के भी मौसमों में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कर लिया यह पूरी तैयारी, सड़कों पर रहने की पूरी तैयारी कर ली गई कंप्लीट, तो बेहद ही बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें बिहार में नहीं थम रहा अपराध, अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस बल बिल्कुल विफल दिखाई दे रही है, इसको लेकर के भी बेहद बड़ी खबर आ रही है जो मात्र 5 मिनट के अंदर विस्तार से बताया जाएगा। वहीं बिहार में एक बार फिर से नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया और पंचायत ने इस मामले को रफा दफा करने की भी पूरी कोशिश की, इसको लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है सामने, जहां सरकार घिराव में आ गई है। वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती है तृणमूल कांग्रेस और राजद मिलकर, जहां राजा और तृणमूल कांग्रेस का बड़ा आरोप कहा कि जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे वेस्ट बंगाल से, इसको लेकर के भी बेहद बड़ी खबर आ गई है। अगर आपके भी घरों में राशन कार्ड है, आप भी राशन उठाते हैं, तो आज की यह बड़ी खबर जान लीजिए। आ गया आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। आइए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। अगर आपके घर में आज तक शौचालय नहीं बना तो अब करें यह काम, मात्र 10 दिनों के अंदर बनेगा शौचालय, आपके भी खातों में आएंगे 12,000 रुपए, इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आ गई है। वहीं ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि साफ तौर पे बहुत पहले ही मैं कह चुकी हूं कि राजद समेत दोनों मिलकर वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएंगे, तो बड़ी खबर इसको लेकर के भी आ रही है। वहीं संपूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद भी जी हां जहरीली शराबों का मिलना लाजमी, बिहार में धड़ल्ले से जहरीली शराब मिल रही है और पीने से मौत, तो आप भी सावधान हो जाइएगा। साथ ही साथ हरे साग सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली, आम जनता को लगा बहुत ही बड़ा झटका और इसको लेकर बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है, तो जान लीजिए आज का सब्जियों का भाव। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर के अंदर पेट्रोल और डीजल, 70 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत 65 रुपए पर लीटर हो सकती है और इसको लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आ गई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से ट्रेन दुर्घटना हुआ, रेल दुर्घटना एक बार फिर से बिहार में हो गया है और आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ क्षति हुई, कितने लोगों की मौत हुई, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। साथ ही साथ सोने के ताजे भाव जान लीजिए। आ गया बहुत ही बड़ा गुड न्यूज, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी सोना खरीदने वाले तमाम लोगों के लिए, बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, तो आप भी आज का यह बेहद ही बड़ा खबर जान लीजिएगा। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे, जी आपको बता दें कि चिराग पासवान का बड़ा आरोप, सपनों नीतीश कुमार के सपने में आता है एलजेपी, ये बेहद ही बड़ा खबर सामने आ रहा है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने बड़ी खबर दे दी है, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई, लालू प्रसाद यादव जेल उल्लंघन मामले में एक नई अपडेट्स के साथ आपके समक्ष आ चुके हैं, पूरी जानकारी बताया जाएगा आप सभी को। साथ ही साथ आज की एक और बड़ी खबर, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्रों को, जी हां सभी छात्रों को मिलेगा टैबलेट, मिलेगा लैपटॉप ऑनलाइन क्लास करने के लिए, इसको लेकर के भी बहुत ही बड़ी खबर आ गई है, तो सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हमारा काफी ज्यादा मेहनत लगता है और हम चुन चुन कर खबरें आप ही के लिए लाते हैं, इसीलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आरजेडी की सरकार बननी तय मानी जा रही है,
वेस्ट बंगाल में तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि इस बार आर पार की इस लड़ाई में तेजस्वी हमारे साथ हैं और तेजस्वी भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल में डालने वाली इस बीजेपी सरकार को यह लगता है कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास ताकत हो गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोगों से बता देना चाहती हूँ कि आपका यह मंत्र काम नहीं आएगा। इस तरीके की बड़ी बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरजेडी को सहयोगी पार्टी बनाते हुए कहा कि अब हम दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 294 विधानसभा क्षेत्रों में से इस बार एक नए अनुमान के मुताबिक 180 सीटें आरजेडी और साथ ही साथ ममता बनर्जी के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और राजद के समर्थन में जा सकती है, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में जा सकती है और दोनों पार्टी के नेता इतिहास रच सकते हैं। 180 सीटों से भी ज्यादा सीटें आ सकती है। एक तरफ जी हाँ आपको बता दें कि राजद जी हाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, राष्ट्रीय जनता दल इस बार वेस्ट बंगाल के जी हाँ सियासी उठापटक में अपनी किस्मत रगड़ेगी तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने में इस बार कारगर दिख रही है। इस बार ममता बनर्जी को कितनी सीटें आएंगी इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर ओपिनियन पोल मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल से तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो। यानी तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, बहुत ही बड़ी उपहार है, बड़ी खुशखबरी है राजद समर्थकों के लिए। आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां बीजेपी की नेता का जी हत्या कर दिया गया और यह हत्या में जी कई लोगों पर आरोप भी लगे। परिजनों ने इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जब अपने घर को लौट रहे थे बाइक से, उस समय कुछ छिछोरेपंती करने वाले लोगों के द्वारा बाइक को रोका गया और छीनने की कोशिश की गई। छीनने के बाद में जिया विरोध कर रहे नेता को जिया चक्कू मार दिया गया या रॉड घुसा दिया पेट के अंदर, जिसको लेकर हॉस्पिटल आया गया। हॉस्पिटल के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाया, कहा कि हॉस्पिटल सही ढंग से काम नहीं कर पाया जिसके कारण आज हमारे जी आपको बता दें कि भाई की मौत हुई। उनके भाई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो अब इस सत्ता में आम आदमी की बात ही छोड़ दीजिए, जब नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या घंटा सुरक्षित रहेगा। वहीं आज का एक और बड़ा खबर बात कर लेते हैं। बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच पर एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। आपने भी अपने व्हाट्सएप पर यह नोटिस किया होगा कि आपके दोस्त या आपके भाई एक ऐसे मैसेज करते हैं जिसमें पेट्रोल की कम होने की कीमत कम होने की बात की जाती है। जी हाँ ये सही है, पेट्रोल की कीमत सस्ती हो सकती है और इसको लेकर बीजेपी काफी बार जी ऐलान भी कर चुकी है। काफी जल्दी सस्ती हो सकती है पेट्रोल की कीमत और इसको लेकर साफ साफ कई बार नेताओं ने भी कहा कि सस्ता पेट्रोल लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम समयों के अंदर, आने वाले एक दो महीनों के अंदर पेट्रोल की कीमत सस्ती हो जाएगी और यह सभी के लिए खुशखबरी होगा। दरअसल आपको बता दें कि काफी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल 100 के आंकड़ों को छू गया है। 100 के आंकड़ों को पेट्रोल पार ना करे इस सभी चीजों को देखते हुए साफ तौर पे कई लोगों ने कहा कि बीजेपी अब सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कर रही है। एक ही तरफ से जीडीपी को रिकवर कर लेना है, गैस पेट्रोल और जी एलपीजी सिलेंडर, यही है जीडीपी का असली मतलब और जीडीपी यही है। इस तरीके का बड़ा और गंभीर आरोप भी लगाया गया। आइए बढ़ लेते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। अगर आप भी शराब बिहार के अंदर पीते हैं और शिकार होते हैं जहरीली शराब पीने का तो अब सरकार के ऊपर कोई आरोप मत लगाइएगा। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब हमने शराबबंदी की थी उसी समय गोपालगंज वाला मामला सामने आया। गोपालगंज वाले मामला सामने आने के बाद में काफी बार कार्रवाई भी की गई और व्यक्तियों के ऊपर गंभीर जो आरोप लगे थे उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जब हमने शराब बंद किया था उसी समय हमने कह दिया था कि अगर जो शराब पिएगा अब उनको हो सकता है कि जहरीली शराबों से भेंट हो जाए और जहरीली शराब पी ले, इसलिए जहरीली शराबों से बचे और
शराब पीने से बचे, क्योंकि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले के मुताबिक लोग जिया शाम को पीकर घर आते थे, आज वही लोग हंसते मुस्कुराते अपने घर को लौटते हैं। एक महिला ने कहा कि जब मेरे पति पहले जिया घर को लौटते थे तो पहले करूड़ दिखाई देते थे और ऐसा लगता था कि आज नशे में धूत हैं, लेकिन आज वही पति आते हैं तो प्यार से जिये सब्जियां लाते हैं, मुस्कुराते हैं और बातें करते हैं, बचे पैसे को हाथ में देते हैं। इससे मैं काफी संतुष्ट हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी बहुत ही अच्छे लेवल से लागू है और स्टाफ अच्छे तरीके से रह भी जाएगा, तो बेहद ही बड़ा खबर। वहीं आपको बता दें आज का एक और बड़ा खबर, दरअसल आप हमारे चैनल पर रोजाना बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम आपको बता दें ओपिनियन पोल देख सकते हैं, यानी आरजेडी की सरकार कितने सीटें ला रही है, टीएमसी एंड तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, ये तमाम खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।